हेलो फ्रेंड्स, क्या आप एक नया फ़ोन लेना चाहते हैं लेकिन आपका जो प्राइस है बहुत ज़्यादा कम है और आपको चाहिए कम पैसे में बेस्ट फ़ोन? तो फ्रेंड्स, आपका ये समस्या दूर हो रहा है क्योंकि सैमसंग लॉन्च कर रहा है एक नया फ़ोन जिसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर से प्रेस कर दें जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं इसके लॉन्चिंग डेट के बारे में। तो 29 अगस्त 2018 को ये लॉन्च होगा और इसका जो नाम है Galaxy A9 Star है। ये एंड्रॉयड ओरियो में रन करता है और एंड्रॉयड पी में अपग्रेड हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में। तो 6.28 इंच का इसका डिस्प्ले है और फुल HD रेजोल्यूशन देखने को मिलेगा। 1080x2220 पिक्सल का इसमें आपको देखने को मिलेगा। सुपर एमोलेड डिस्प्ले है। जैसे कि आप जानते हैं सैमसंग का जो फ़ोन होता है सुपर एमोलेड होता है। चिपसेट के बारे में बात करूं तो इसमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 660 का आपको देखने को मिलेगा चिपसेट। अब प्रोसेसर के बारे में बात करूँ तो ऑक्टा कोर प्रोसेसर आपको देखने को मिलेगा। आर्किटेक्चर है 64 बिट का। जो लैपटॉप डेस्कटॉप होता है उसमें भी 64 बिट का प्रयोग होता है और आपको फ़ोन में भी 64 बिट देखने को मिल रहा है। अब ग्राफिक्स के बारे में बात करें तो Adreno 125 आपको देखने को मिलेगा, 512 देखने को मिलेगा, यानी कि जो इसका एड्रिनो ग्राफिक्स है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। रैम के बारे में बात करूँ तो 4 GB का रैम है। इंटरनल मेमोरी 64 GB की है। एक्सपेंडेबल है 256 GB का। और रेजोल्यूशन के बारे में बात करूँ यानी कि जो इसका कैमरा है वो 16 MP प्लस 24 MP का प्राइमरी कैमरा है। फ्रेंड्स, ये इसकी क्वालिटी है, इसकी खासियत है कि आपको 16 MP प्लस 24 MP का ड्यूअल प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है जो DSLR को भी टक्कर देने की वो ताकत रखता है। क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं सभी फ़ोन होते हैं, आजकल मैं बहुत सारे फ़ोन देख रहा हूँ लेकिन इसमें आपको 24 मेगापिक्सल और 16 मेगापिक्सल का सेटअप देखने को मिलता है जिससे आप बेहतरीन क्लिक कर सकते हैं। डिजिटल जूम है, ऑटो फोकस है, फेस डिटेक्शन है, टेस्ट टू फोकस है, पैरोनामा है, कंटिन्यू शूटिंग है और हाइब्रिड स्लॉट दिया हुआ है जिससे आप जिसका जो रेंज मोड है इसमें HDR भी सपोर्ट करता है। वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए आपको 3840x2160 इसमें आपको देखने को मिलेगा। और फ्रंट में कैमरा 24 मेगापिक्सल का है जिसमें आप बेहतरीन सेल्फी शूटर कैमरा इसको कह सकते हैं। अब बात करते हैं इसके जो बैटरी है उसकी तरफ। तो इसमें आपको 3700mAh की बैटरी देखने को मिलती है जो 2 दिन तक आपका साथ निभा सकती है। अब इसमें आपको बाकी सब वही फीचर देखने को मिलते हैं जो अदर स्मार्टफोन में देखने को मिलते हैं। 2G 3G 4G वो LTE आपको सपोर्ट मिलेगा। वाईफाई NFC सभी इसमें सपोर्ट करता है। USB Type-C को ये सपोर्ट करता है और इसमें आपको लाउड स्पीकर है वो सपोर्ट करेगा। और इसमें आपको ऑडियो जैक देखने को मिलेगा 3.5 जो है वो आपको देखने को मिलेगा। और इसमें आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिलेगा और इसमें आपको लाइट सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, जी सेंसर और ये देखने को मिलेगा। इसके साथ ही आपको सैमसंग पे का सपोर्ट भी आपको देखने को मिलेगा जिसमें आप सैमसंग पे कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे बता सकते हो। और जो इसका प्राइस है बहुत ज़्यादा कम होने वाला है क्योंकि सैमसंग ने बताया कि इसका जो प्राइस है अन्य स्मार्टफोन से कम रखा जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे बता सकते हो और इस वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स।